कैलाश नगर क्रूद स्थित भगवा चौक पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को पूरे देश सहित भिलाई में भी जगह जगह पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में कैलाश नगर क्रूद स्थित भगवा चौक पर भी तिरंगा फहराया गया, जहाँ विशेष तौर पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव उपस्थित हुए। इस चौक के निर्माण के बाद से ही यह चौक का नाम भगवा चौक रखा गया, जिसमें अहम भूमिका भगवा मित्र मंडल एवं शहर के समाजसेवी कुंदन मिश्रा ने निभाई। गणतंत्र दिवस समारोह के इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों से भगवा मित्र मंडल की मांग को स्वीकार करते हुए चौक के सौंदर्यीकरण की बातें कही। कार्यक्रम की जानकारी समाजसेवी कुंदन मिश्रा सहित भगवा मित्र मंडल के पदाधिकारी ने न्यूज टीम को दी। ये आज गणतंत्र दिवस भगवा मित्र मंडल के द्वारा विगत 4 वर्षों से यहाँ मनाया जा रहा है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये सब चीज़ें हमारे पूरे भगवा मित्र मंडल के द्वारा इस चौक में मनाया जाता है। और उसी प्रकार इस साल भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दुर्ग कांग्रेस अध्यक्ष भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा यहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और चौक के लिए उनके द्वारा कुछ आश्वासन भी दिया गया है कि चौक को जल्द से जल्द इसका निर्माण करवाएंगे करके, और उनका बहुत सहयोग रहा है। और भगवा मित्र मंडल समस्त भिलाई वासियों के लिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तहे दिल से बधाई देता है। सबसे शुभ अवसर है हम सबके लिए, सारे भारतवासियों के लिए, क्योंकि इतना स्वच्छ और इतना सुंदर संविधान का गठन हुआ था 73 साल पहले, और आज 73वें गणतंत्र दिवस पर हम सब उपस्थित हो गए। ये हमारे ही द्वारा इसका नाम रखा गया था। 4 साल पूर्व इस चौक का नाम भगवा चौक दिया गया था, और तब से इस जगह पे सारे कार्यक्रम हम लोग यहाँ करते हैं और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार इस बार भी बड़े अच्छे से कार्यक्रम हुआ और आसपास के क्षेत्रवासी सभी सहयोग करते हैं हमेशा, और सभी में उत्साह है इस चौक को लेकर के यहाँ भी आपत्तिजनक स्थिति कभी बनी रहती थी वो आज नहीं है। अच्छे लोग, अच्छे विचारधारा के लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे एक संगठन बनते जा रहे हैं, और इस संगठन के द्वारा हमेशा इस चौक के लिए काम किया जाएगा। और इसका जो यहाँ पे एक मूर्ति बनाना है वो उसका भी वो बना रहे हैं, डिजाइन कैसा रहेगा, बस यही कार्यक्रम यहाँ करते रहते हैं। पूरे भिलाई शहर में 73वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर एवं माँ भारती की आराधना करके मनाया गया, साथ ही मिठाइयाँ बांटकर राष्ट्रीय त्यौहार की खुशियाँ भी मनाई गई। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।